हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं IL20 लीग के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा दुबई कैपिटल्स और गल्फ जायंट्स के बीच में दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर 6 फरवरी को रात के 8 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है जी नेटवर्क के ऊपर। आपसे बात करता हूँ पिच रिपोर्ट के बारे में। तो दुबई का जो मैदान है धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो हो चुका है, बैटिंग करना उतना आसान रहा नहीं है। लेकिन देखो, रात को ड्यू फैक्टर आएगा, इस वजह से टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहेंगी। तो दुबई के बारे में बात करूं या फिर गल्फ के बारे में बात करूं, दोनों ही टीमों ने अपने 7 में से 3-3 मुकाबलों को अपने नाम किया है। लेकिन जो नेट रन रेट है ना, वो गल्फ की काफी अच्छी दुबई के कंपैरिजन के अंदर। अब दुबई को पिछले मुकाबले में एक हार झेलनी पड़ी और दुबई वो टीम है ना जिसमें आपको कमी निकालनी बहुत मुश्किल है, खासकर बल्लेबाजी के अंदर। डेविड वॉर्नर, रहमानुल्लाह गुरबाज, बेन डंग, सैम बिलिंग, सिकंदर अजहर, रोमन पावल, सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे खुद को प्रूव कर चुके हैं। सब इतने कमाल के बल्लेबाज हैं, लेकिन ये टीम बैटिंग में कुछ खास कर ही नहीं पा रही। ज्यादातर बल्लेबाज इनके फ्लॉप होते जा रहे हैं, तो इंप्रूवमेंट आप मतलब कहां से करोगे इस टीम के अंदर। बड़े बड़े नाम है पर वो फॉर्म में नहीं है। गेंदबाजी के अंदर इस टीम के पास स्कॉट कुगलाइन का ऑप्शन है, आपके पास दुश्मन चमीरा है, रॉलर वेंडर मोवा है, तो यहां भी आपको उतनी कमी दिखाई नहीं देगी। जेसन होल्डर भी है, तो मतलब समझ नहीं आता ये टीम लैग कहां पे कर रही है। पर बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दुबई ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं है। गल्फ जायंट्स की टीम को पिछले मुकाबले के अंदर एक बहुत ही कमाल की जीत मिली और इस टीम की ना बैटिंग फॉर्म में आ गई। जेम्स विंस रन बना रहे हैं, क्रिस लिन का फॉर्म काफी अच्छा है पिछले मुकाबले में, हेटमायर भी फॉर्म के अंदर आ गए, तो ये इस टीम के लिए काफी अच्छी बात है। इस टीम की मुझे गेंदबाजी काफी कमजोर लगती है, लेकिन जिस तरह ये टीम खेली पिछले मुकाबले के अंदर लगा नहीं, जहां टीम ने ओपोनेंट टीम को केवल 109 रन पर ऑल आउट कर दिया। इनके पास एक जुबैर करके नए लोकल टैलेंट आए, उनको मतलब उनको विकेट मिल रहे हैं, फिर जेमी ओवरटन है, क्रिस जॉर्डन है, तो मुझे बॉलिंग में ना उतना यहाँ पे पोटेंशियल दिखता नहीं है गल्फ जायंट्स का, तो मुझे बैटिंग इनकी काफी स्ट्रॉन्ग लगती है। तो दोनों टीमें मुझे काफी बराबरी की लगती है, पर अगर मैं दोनों टीमों को कंपेयर करूँ ना, तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्गर टीम तो दुबई कैपिटल्स के पास ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।